दोस्तों नमस्कार। ये जैसा कि आप देख रहे हैं ओक्टर स्मार्ट होम, ये हमको मिला था सोनी ब्रावा टीवी के साथ में। आज हम इसको अनबॉक्स करेंगे, देखते हैं इसके साथ क्या क्या है और हम इसकी इंस्टॉलेशन भी करेंगे। ये आया जी स्मार्टन योर एग्जिस्टिंग लैंप गीजर। ये इसके साथ इसमें क्या क्या है, हाउ टू स्टार्ट। ये एक ऐप है जो हमें अपने प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से मिल जाएगी। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसमें सारा कुछ दे रखा है, कैसे मैनेज करना है, ऑन ऑफ स्टेटस, होम, वाईफाई, चेंज, मैनेज। इसमें हम शेड्यूल टाइमिंग भी डाल सकते हैं, आपको कितने बजे बंद करना है, कितने बजे चालू करना है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाता है। हम इसे एलेक्सा, गूगल होम, एंड्रॉयड टीवी, इन सब से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लैंप है, मॉस्किटो रिफिल है, एग्जॉस्ट है, मोबाइल है, गीजर है, मोटर, एसी, जो भी हम चाहें वो इससे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें ये दो तरीके के अडाप्टर्स हैं, ये बड़े वाला है और एक ये छोटे वाला है। तो इसे हमने चालू करने के लिए अपने एक दूसरे फ़ोन में ऑलरेडी एक ऐप डाल रखी है और हम इसको ऐप को ऑन करते हैं। अब इसमें जैसा आप देख रहे हैं, ये पहले से एक दूसरा डिवाइस ऐड था, बट हमको ये दो नए ऐड करने हैं। तो इसमें हम जाएंगे, ये है ऐड न्यू, ऐड न्यू करेंगे। यहाँ पे आ रहा है सेटअप योर, ये डबल वाला पैक था, ये वाला, ये सेम सो रहा है ऊपर वाला। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे जैसे बोलता है हमको वैसे वैसे करना है। ये कहता जी डब्बा खोलिए, एक एडॉप्टर निकालिए, सॉरी, और इस पर जो एक कोड इतना कर दिया। तो हम इसके आगे को करते हैं, कोड स्कैन करने के लिए कहता है ये। ये हमने कोड स्कैन किया, ये हो रहा है, हो गया। हाँ, ये ऐड हो गया। ये कौन सा नंबर था, ये था ना सेवन वाला। अब हम इसको करते हैं चालू। अब ये कह रहे हैं कि हम इसको लगाएं प्लग में, ये हमारे पास प्लग है, ये हमने लगा दिया प्लग में। ये क्या कहता है, ओके नेक्स्ट, हेलो डोंट हेलो, इसकी आवश्यकता नहीं है। एस एस आई डी हम डालते हैं अपना, इसमें हम अपना डाल देते हैं। ये हम डालते हैं इसमें वाईफाई एड्रेस और उसका पासवर्ड। ये कनेक्ट हो गया। अब ये कह रहे हैं जी आप इसको लगाएं और स्विच ऑन करें। ये हमने लगाया और ये नीचे स्विच ऑन किया, इसका स्विच नीचे लगा हुआ है, नीचे यहाँ से स्विच ऑन किया। अब इस पे आया लिखा हुआ एलईडी ब्लिंकिंग, अगर एलईडी ब्लिंक कर रही है तो यस दबाएं। हमने यस दबा दिया। अब ये जैसे जैसे करता जाएगा अपने आप होता चला जाएगा। इसको ओके कर देते हैं। ये 2 से 3 मिनट के बीच लेता है, इसको उससे पहले ही हो जाता है। वैसे चल रही है प्रोसेसिंग। दो प्रोसेस हो गए हैं, वेटिंग फॉर क्लाउड कनेक्शन। ये हो गया दोस्तों, अब इसकी कनेक्टिंग हो चुकी है पूरी। आइए हम इसको ट्राई करते हैं। ये हम यहाँ से इसको करते हैं स्विच ऑन।
ये स्विच ऑन हो गया, ये देखिए इसमें रेड लाइट जल गई। अब अगर हम इसको करते हैं स्विच ऑफ, वो वाइट लाइट हो गई। दोबारा स्विच ऑन, दोबारा रेड लाइट, फिर से स्विच ऑफ, फिर से वाइट लाइट। तो ऐसे इसे आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।